नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर लास्ट हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हो। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट अपना हो जाएगा 20 बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं 20 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, ठीक है, आपके लिए। और प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कितने भी 1000 क्वेश्चन आपके इस बुक में दे रखे हैं। टोटल कितने 1000 क्वेश्चन है, और 1000 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आने हैं भाई, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। इसका मतलब 10 क्वेश्चनों में से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको यहां पर, एक प्रकार से 20 वीडियो को ही आपको बस देखना है, बाकी सारे के सारे आपको यहीं पर कवर हो जाएंगे। तो 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं, 20 के 20 पार्ट्स आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। और जिस किसी को चाहिए नोट्स, ठीक है, जिस किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो कहाँ से डाउनलोड करेगा भाई, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करेगा www.paperhacker.in हमारी साइट से, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वह कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी, 23 मार्च। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन यहां से देखने को 100% मिलने वाला है, 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां रखा है सेना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, 26 जनवरी, 5 सितंबर, 15 जनवरी या फिर 2 अप्रैल। राइट आंसर क्या होगा, सेना दिवस मनाया जाता है, तो सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, 15 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपको बताना है, 25 जनवरी, 15 अगस्त, 21 जून, 8 सितंबर। राइट आंसर भी अपना क्या रहने वाला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, 22 जनवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 अक्टूबर। राइट आंसर क्या होगा, बात करते हैं यहीं पर जल दिवस कब मनाते हैं ये भी बता देना, ठीक है। जल दिवस की बात करते हैं, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। यही बात करते हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को, कंफ्यूज नहीं होना है। जल दिवस की बात करता है तो जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है। क्रॉस इस प्रकार से बनेगा, और कैसा है भाई, रेड होना चाहिए, रेड तो है ही, है ना, तो ऊपर मैच करो नीचे मैच करो, क्या बन गया 8। 8 कहां दे रखा है, यहां पर 8 मई हो जाएगा अपना राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे किस दिन होता है, तो वह होता है 8 मई के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी अपना क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको यहां पर बताना है। पहला दे रखा है 24 जून, 17 फरवरी, 21 जून, 14 नवंबर। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो वह मनाते हैं 21 जून के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब स्टार्ट किया गया था, यह किया गया था 21 जून 2014 में। कब स्टार्ट किया गया था भाई, 21 जून 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं आपको बताना है, 11 जुलाई, 5 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। याद रखा है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है, यह मनाते हैं 11 जुलाई के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है कौन सा है, 1 जून, 11 जुलाई, 8 अगस्त, 10 जनवरी। राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, ध्यान से देखना है, वरिष्ठ नागरिक दिवस की यहां पर बात
हो रही है। तो 11 जुलाई को हमारा कौन सा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हो गया, है ना, बिल्कुल। तो याद रखा है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाया जाता है अपना 8 अगस्त के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि है, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि क्या है या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 21 नवंबर, 25 जनवरी, 17 सितंबर, 29 अगस्त। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि क्या हो जाती है, वह हो जाती है 29 अगस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है विश्व पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 11 नवंबर, 27 सितंबर। राइट आंसर क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये आप, सॉरी विश्व पर्यटन दिवस, सॉरी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाते हैं 27 सितंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है विश्व जन दिवस, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी, 25 दिसंबर, 10 दिसंबर, 21 मार्च। राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है भाई 21 मार्च के लिए। कौन से मार्च के लिए भाई, 21 मार्च के लिए विश्व वन दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तरीका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा है ये आपको बताना है, 14 नवंबर, 8 मार्च, 8 जून या फिर 1 जनवरी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो यह मनाते हैं 8 मार्च के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व कैंसर दिवस है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल, 10 जनवरी, 16 नवंबर, 4 फरवरी। राइट आंसर अपना क्या होगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाते हैं चीरफाड़, है ना, कैंसर में क्या होती है चीरफाड़, तो चीर और फाड़, 4 फरवरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस कौन सा है आपको बताना है, 1 मई, 3 मार्च, 8 मार्च, 16 सितंबर। विश्व वन्य जीव दिवस है ये आपको यहां पर आपको बताना है भाई, विश्व वन्य जीव दिवस कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। तो विश्व वन्य दिवस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 3 मार्च। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं, 16 नवंबर, 22 मई, 25 नवंबर, 8 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा भाई, 22 मई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है विश्व बिना तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस डायरेक्टली कह सकते हैं, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, 15 जुलाई, 12 सितंबर, 31 मई या फिर 1 मई। राइट आंसर क्या होगा, विश्व बिना तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 31 मई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मई 1 मनाया जाता है, 1 मई को क्या मनाया जाता है यह आपको बताना है, श्रमिक दिवस, महिला दिवस, शिक्षक दिवस, पर्यावरण दिवस। राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। यहां पर 1 मई को क्या मनाया जाता है, वह मनाया जाता है श्रमिक दिवस। कौन सा, श्रमिक दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व प्राणी दिवस है, विश्व प्राणी दिवस कब मनाते हैं यह आपको बताना है, 17 जुलाई, 5 दिसंबर, 4 अक्टूबर, 1 जनवरी। राइट आंसर क्या होगा,
विश्व प्राणी दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, विश्व प्राणी दिवस कब मनाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 अक्टूबर। कब हो जाएगा भाई? 4 अक्टूबर को विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 1 जुलाई, 5 सितंबर, 5 जून या फिर हो जाता है 10 दिसंबर। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 5 जून को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व समुद्र दिवस कब मनाते हैं? विश्व समुद्र दिवस कब मनाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च, 7 फरवरी, 12 जुलाई, 8 जून। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? विश्व समुद्र दिवस ये मनाया जाता है अपने 8 जून के लिए। कब भाई? 8 जून के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर, 26 जनवरी या फिर 1 मई या फिर 3 अक्टूबर। राइट आंसर क्या रहने वाला है? मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 19 नवंबर, 8 सितंबर, 12 जुलाई। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता की बात करते हैं, भारत की साक्षरता दर में सबसे आगे कौन है? तो वह हो जाता है केरल। कौन हो जाता है भाई? केरल। साक्षरता में सबसे आगे कौन है? केरल है। सबसे नीचे कौन है? तो वह हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा भाई? बिहार हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 सितंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 जुलाई, 1 सितंबर। राइट आंसर क्या होगा? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 21 मार्च को, 25 मार्च को, 30 मार्च को। राइट आंसर क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है भाई 30 मार्च के लिए। कब भाई? 30 मार्च के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का स्थान कौन सा है परसेंटेज के हिसाब से? भाई आपको बताना है तो डायरेक्टली बताना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या के हिसाब से कितनी है? 16.17%, 10%, 12%, 15.20%। राइट आंसर क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16.17%। कौन सा होगा भाई? 16.17% रहती है पूरे भारत, मतलब पूरे भारत में से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी रहती है? 16.17% रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो याद ही करना है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग है, क्वेश्चन बनना है, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, हैजा। राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह हो जाएगा उच्च रक्तचाप। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है। जो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है? अहमदाबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है तो ये कहां पर है भाई? नागपुर में स्थित है पर्यावरण शिक्षा केंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारंभ की गई। जो सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना है वो क्यों प्रारंभ की गई थी आपको बताना है? सिंचाई हेतु, मछली पालन हेतु, या फिर मूंगों की चट्टानों हेतु, या फिर हो जाता है पश्चिमी और पूर्वी घाटों की दूरी कम करने के लिए। राइट आंसर अपना क्या होगा?
सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह प्रारंभ की गई थी पश्चिम और पूर्वी घाट की दूरी को कम करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रिपीट क्वेश्चन अपना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है बाबा आमटे का संबंध किस आंदोलन से है। जो बाबा आमटे थे उनका संबंध किस आंदोलन से था यह आपको बताना है। तिब्बती से, चिपको से, साक्षरता से, महिला सशक्तिकरण से। तो बाबा आमटे का संबंध हो जाता है वह हो जाता है महिला सशक्तिकरण से। किससे? महिला सशक्तिकरण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद रहे हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद कौन रहे हैं यह आपको बताना है। स्वामीनाथन, मेनका गांधी, बाबा आमटे, सीवी रमन। बताएगा भी राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद रहे हैं कौन रहे हैं भाई? बो रहे हैं बाबा आमटे। कौन रहे हैं भाई? बो रहे हैं बाबा आमटे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबा आमटे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है वो आपको बताना है। भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध या फिर हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। राइट आंसर अपना क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है? तो वह हो जाता है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा भाई? भाखड़ा नागल बांध हो जाता है सबसे ऊंचा बांध। कौन सा? सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। यह कहां पर है? तो यह पड़ जाता है अपने पंजाब में। कहां पड़ता है भाई? यह पड़ जाता है अपने पंजाब में। और ये किस नदी पर है ये भी क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो भाखड़ा नागल जो बांध हो जाता है वो हो जाता है किस पर? फटाफट कमेंट कीजिएगा। भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर हो जाता है? ये हो जाता है सतलज। किस पर? सतलज नदी पर हो जाता है। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में स्थित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था वह किस वर्ष लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बात करते हैं 1927, 1981, 1982, 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था यह हमारा टॉपिक भी हो जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 5 है वो हमने देखा था कौन सा, 1986 में लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है आपको बताना है। जीवाणु, अंडा, विषाणु, कछुआ। राइट आंसर अपना क्या होगा? तो सजीव में रहेगा तो सजीवों की तरह व्यवहार करेगा, निर्जीव में पड़ा रहेगा तो निर्जीवों की तरह व्यवहार करेगा। ऐसा कौन होता है? तो वह होता है विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी हो जाएगी भाई? विषाणु हो जाएगी, वायरस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है आपको बताना है। इलाहाबाद में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में। राइट आंसर क्या होगा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने कोलकाता में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे संबंधित है एक। गंगा एक्सप्रेस वे संबंधित है एक है क्या ये आपको बताना है। रेलगाड़ी से के नाम से, गंगा प्रदूषण मुक्ति से, सड़क से या फिर कछुआ पालन से। राइट आंसर क्या होगा? और ये किस किस राज्य में है ये भी आपको बताना है साथ में, क्वेश्चन बन सकता है। गंगा एक्सप्रेस वे किस राज्य में है? यूपी में है, बिहार में है। कहाँ कहाँ है भाई? यूपी में है, बिहार में है और एक राज्य और है जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो तीन राज्यों में हो जाती है गंगा एक्सप्रेस वे। किसमें? यूपी, बिहार और पंजाब। तो गंगा एक्सप्रेस वे संबंधित है किससे? ये अपनी हो जाती है सड़क से। किससे भाई? सड़क से हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है इसमें पोषण तत्व अधिक पाए जाते हैं। इसमें पोषक तत्व जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं। सीसा, स्लज या फिर कीटाणुनाश, भारी धातु।
इसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। एक बात आएगा, भारी धातु में पोषक तत्व पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कीटनाशक में पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सीसा में पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तीन तो ऑप्शन कट गए, तो बचता कौन सा है? स्लम, स्लज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। आगे बढ़ते हैं, यहां दे रखा है यह विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित बीमारी कौन सी है आपको बताना है? टीवी, हैजा, एड्स, निमोनिया। तो आपको पता है अभी जो कोरोना वायरस आया था उसमें क्या हो रहा था? निमोनिया हो रहा था, है ना। तो कह सकते हैं यह विषाणु जनित बीमारी है। कौन सी? वह हो जाएगी निमोनिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स का संक्रमण होता है, जो एड्स है उसका संक्रमण होता है किससे? लैंगिक संचरण द्वारा, रक्त संचरण द्वारा, या फिर मातृभ्रूण संचरण द्वारा, या हो जाता है ये सभी के द्वारा। एड्स का संक्रमण होता है, कैसे होता है भाई? सभी के द्वारा होता है, बिल्कुल। बात करते हैं लैंगिक संचरण के द्वारा भी होता है, रक्त संचरण के द्वारा भी होता है, मातृभ्रूण संचरण के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दे रखा है कि क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो क्रिसमस डे है वो कब मनाया जाता है आपको बताना है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, या फिर 25 नवंबर, 25 दिसंबर, या फिर 25 जनवरी। राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा रहने वाला है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? हाँ तो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं, क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 अक्टूबर, 25 नवंबर, 25 दिसंबर, या फिर 25 जनवरी। तो राइट आंसर जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 25 दिसंबर। क्या हो जाएगा भाई? 25 दिसंबर हो जाएगा। जो लोग खेला खेल गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है किस वर्ष में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून बना था? भाई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस वर्ष में वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम कानून बना था, वह कब बना था आपको बताना है। पहला 1990 में, 1992 में, 1982 में, 1981 में। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं किस वर्ष में वायु कानून बना था, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून वह बना था 1992 में। क्या बना था भाई? 1992 में बना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखा है किस प्रदूषण के कारण क्लोरोसिस की बीमारी होती है, किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है, वह कौन सी है यह आपको बताना है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण। ठीक है, खाना खाए से थोड़ी दिक्कत हो रही है और अभी थोड़ा जल छाला भी है। ठीक है, तो बात करते हैं किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है। तो फ्लोरोसिस की बीमारी किस प्रदूषण के कारण होती है, फटाफट कमेंट में देना है भाई आंसर। फटाफट कमेंट में क्या देना है भाई? आंसर देना है। आंसर रुकना नहीं चाहिए भाई सभी का। ठीक है, आंसर तो क्या है भाई? रुकना नहीं चाहिए आंसर तो। फटाफट राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अरे फ्लोरोसिस किससे होगा भाई? जल प्रदूषण से होगा। किससे? जल प्रदूषण से होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है पर्यावरण शिक्षा केवल हिस्सा होना चाहिए, किसका हिस्सा होना चाहिए आपको बताना है। प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से, या फिर सभी स्तर से। राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? पर्यावरण शिक्षा केवल हिस्सा होना चाहिए। क्या पर्यावरण शिक्षा केवल माध्यमिक स्तर के लिए देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या प्राथमिक स्तर के लिए देना चाहिए? क्या माध्यमिक स्तर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या महाविद्यालय के लिए ही सिर्फ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसको भी देना चाहिए, इसको भी देना चाहिए, और इसको भी देना चाहिए। मतलब सभी स्तरों के लिए देना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण शिक्षा केवल हिस्सा होना चाहिए। किसका? इन सभी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, इन सभी का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव विज्ञानी प्रत्येक पांच वर्ष को मनाते हैं। क्या मनाते हैं आपको बताना है? मानव अधिकार दिवस, चिपको आंदोलन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राइट आंसर हमारा क्या होगा?
जी विज्ञानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाते हैं भाई? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो लोग ऑप्शन सी के साथ खेला खेल गए हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट संबंधित है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछ सकता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो वायरस जनित रोग कौन सा आपको बताना है, टाइफाइड, पोलियो, टीवी या फिर लेप्रोसी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर दीजिएगा। तो वायरस जनित, विषाणु जनित रोग आपको बताना है कौन सा हो जाता है, तो वह हो जाता है अपना टाइफाइड। क्या होता है भाई, टाइफाइड हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदूषण प्रदूषित जल से उत्पन्न रोग है, प्रदूषित जल से उत्पन्न रोग कौन सा है, वह आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, एड्स, पीलिया, लकवा या फिर बहरापन। तो प्रदूषित जल से उत्पन्न रोग कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अपना पीलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है, WHO का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको बताना है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है आपको बताना है, न्यूयॉर्क, जेनेवा में, लंदन में, पेरिस में। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, फटाफट खेला खेलिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनेवा में। और जेनेवा कहां पड़ता है भाई, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर, स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जेनेवा कहां स्थित है, तो वह हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहां पर, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हो जाते हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। कौन, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूछ सकता है इनके अध्यक्ष के बारे में, तो बिल्कुल से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 14 फरवरी इस प्रकार मनाया जाता है, जो 14 फरवरी है वो क्यों मनाया जाता है आपको बताना है। पहला दे रखा है फ्रेंडशिप डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे या फिर लॉर्ड्स डे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 14 फरवरी मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, जो 14 फरवरी है वो मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। कौन, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है भाई, 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, जो चिपको आंदोलन था वो किसके लिए शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भाई, 1973 में हुई थी। कब हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। आप पूछ रखा है क्यों हुई थी, आंसर दीजिएगा, जंगल घास के मैदान के लिए, रेगिस्तान के लिए या फिर मृदा के लिए। चिपको आंदोलन 1973 में किस लिए चलाया गया था, किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था, किसके बचाव के लिए चलाया गया था, यह आपको बताना है। चिपको आंदोलन चलाया कहां गया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चिपको आंदोलन कहां चलाया गया था, चमोली में चलाया गया था। कहां पर, चमोली में चलाया गया था। और चमोली कहां स्थित है, तो चमोली स्थित हो जाती है यूके में, मतलब उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था, यह चलाया गया था जंगलों के बचाने के लिए। किसके लिए भाई, जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में, और चमोली में चलाया गया था। और चमोली कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है, WHO का, WHO व्यक्त करता है, WHO की फुल फॉर्म बतानी है यहां पर, कौन सी होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, ऑफिस और ऑफिस, ऑफिस ऑफिस एक ही रखा है, नहीं हेड ऑफिस दे रखा है, ठीक है। फिर रखा है वर्ल्ड ह्यूमन संगठन। राइट आंसर अपना क्या होगा, WHO व्यक्त करता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। WHO का मुख्यालय कहां पे है, ये हो जाएगा जेनेवा। और जेनेवा कहां पड़ता है, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहां रखा है WHO व्यक्त करता है, WHO की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं वह हो जाते हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां क्वेश्चन रखा है, जब किसी क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय होता है, जब किसी क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय होता है, ह्रास होता है, तो इससे होता है, क्या होता है भाई, कैंसर देखने को मिलता है, टीबी, अस्थमा, रतौंधी देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या होगा,
जब किसी क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय होता है तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है भाई कैंसर। जो परावैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर कैंसर का विस्तार करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां देखा है जल प्रदूषण रोकथाम एवं बचाव का केंद्रीय बोर्ड बना था। जल प्रदूषण रोकथाम एवं बचाव का केंद्रीय बोर्ड बना था, कब बना था ये आपको बताना है भाई। 1964, 1970, 1974, 1980 राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? फटाफट खेला खेलिएगा, राइट आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण की यहां पर बात हो रही है। जल प्रदूषण रोकथाम बचाव का केंद्रीय बोर्ड बना था, ये कब बना था? 1980 बना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखा है पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? अब ये मत कहिएगा कि 50 क्वेश्चनों से आगे निकल गए हैं। मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट वीडियो बनने वाली है, इसमें 164 से 66 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है? मतलब 64 से 66 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे कौन सी बीमारी होती है आपको बताना है। त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर, मुंह का कैंसर, यकृत कैंसर, राइट आंसर अपना क्या होगा? पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता है इसमें जो होता है वो होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है भाई? त्वचा कैंसर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर में कंफ्यूज मत होना कि पराबैंगनी किरणों से सिर्फ कैंसर होता है, तो कैंसर सभी में दे रखा है। अब आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज जाओगे। तो होता कौन सा है? त्वचा वाला कैंसर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के वैज्ञानिक एवं जनक कौन है ये आपको बताना है। एम एस स्वामीनाथन, जी माधवन नायन, या फिर एस चंद्रशेखर, या फिर अपना हो जाता है सी बी रमन। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के वैज्ञानिक जनक हैं, जो भारत है उसमें हरित क्रांति के वैज्ञानिक जनक कौन हो जाते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो भारत में किसमें भाई? भारत में हरित क्रांति के वैज्ञानिक जनक हो जाते हैं, वो हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। यही बात करते हैं, ये हो जाता है नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग। कौन? बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं विश्व हरित क्रांति के जनक। कौन? विश्व हरित क्रांति के जनक। ध्यान रखना, अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। यही पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर ए, ठीक है। यही बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी भाई? 1960 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। अब वो भी कहां से हुई थी? वह हुई थी पंजाब से। कहां से हुई थी भाई? ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि भाई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो पंजाब से हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। यही बात कर ले, विश्व हरित क्रांति कब आई थी? तो ये आई थी 1968 में। अपने भारत में आने के 8 साल के बाद विश्व हरित क्रांति आई थी, जिसके हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, आपको याद करना पड़ेगा। और बात करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में आई थी, ठीक है। सबसे पहले जो हरित क्रांति है वो किस देश में आई थी? तो ये हो जाती है इंग्लैंड। कहां पर भाई? इंग्लैंड। अगर देश की बात करेगा तो कहां आएगी भाई? इंग्लैंड आएगी। विश्व की बात करेगा, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। कब? 1968। भारत की बात करेगा तो 1960। कहां पर? पंजाब में। इसके कौन थे जनक? बताते हैं एम एस स्वामीनाथन। सारे के सामने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। यहां देखा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है वो कहां पर है? नई दिल्ली, देहरादून, गोवा में, या फिर मुंबई में? राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो भारत में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? ये हो जाएगा देहरादून। और देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है।
विश्व जल दिवस और मृदा दिवस। कौन सा? मृदा दिवस में बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई? मृदा दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 22 अप्रैल को मृदा दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण योजना संगठक है, पर्यावरण योजना संगठन है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा यहां पर कौन सा होगा, CSIR या फिर CEPHERI या फिर होता है ICAR या फिर NEERT। राइट आंसर हमारा क्या होगा? पर्यावरण योजना संगठन है तो वह अपना हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CEPHERI। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा नाइट पर आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप आपको यहां पर बताना है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है वो कौन हो जाता है आपको बताना है, श्रीलंका, फिलीपींस, दमन या फिर ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाता है वह कौन सा हो जाता है 7 द्वीपों में से? टोटल कितने द्वीप हैं भाई? 7 द्वीप हो जाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि विश्व में कितने द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाता है वह हो जाता है कौन? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाता है वो हो जाता है ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा द्वीप की बात कर ले तो वो कौन हो जाता है? वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भाई? वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है वो सबसे छोटा द्वीप है। और सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। और बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर यही बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया है वो कौन से नंबर पे है, तो छठे नंबर पे हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बात करते हैं भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधता के शिकार होते हैं? विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन बी, थायमीन, विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? अंता के सितार या फिर कह सकते हैं रतौंधी के शिकार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है विश्व की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है, विश्व की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां होता है, कहां देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। रखा है टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, लंदन में। राइट आंसर अपना क्या होगा? विश्व की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा भाई कौन सा, कहां जाए न्यूयॉर्क के हो जाएंगे भाई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी। तो विश्व की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में। कहां पर भाई? न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है गंगा एक्शन प्लान इन राज्यों में लागू है, जो गंगा एक्शन प्लान है वो किन राज्यों में लागू है आपको बताना है। मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से राज्य में है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या होगा? गंगा एक्शन प्लान इन राज्यों में लागू है, किन राज्यों में लागू है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण हुआ, जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण हुआ था वह कब हुआ था आपको बताना है। 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण हुआ, कब हुआ था यह आपको बताना है। राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण कब हुआ था फटाफट कमेंट में लिखना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952। क्या रहने वाला भाई? 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति निर्धारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक टन में कितना किलोग्राम होता है, ये तो आराम से पता है। 10 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा भाई? 10 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा? तो भाई 1000 किलोग्राम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 11 अक्टूबर, 19 मार्च, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। राइट आंसर हमारा क्या होगा?
ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है ये आपको यहां पर बताना है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी। राइट आंसर अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड नदी, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहां पर है आपको बताना है, बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में, पंजाब में। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहां पर स्थित है, तो ये अपनी हो जाएगी कहां पर, उड़ीसा में हो जाएगी। भी कहां हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था आपको बताना है, 1952, 1953, 1954, 1955। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो भारत में जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था वह शुरू किया गया था 1954 में। कब भाई, 1954 में शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि वन्य जीव कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रफल को कहा जाता है, वन्य जीव कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल के लिए क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पार्क, वनस्पति उद्यान, सरल स्थान या फिर हो जाता है जंगल, तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको यहां पर बताना है। वन्य जीव कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रफल को कहा जाता है वो कहा जाता है भाई राष्ट्रीय पार्क। क्या कहेंगे भाई, राष्ट्रीय पार्क कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखा है अपना फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, आंसर राइट होना चाहिए। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसके लिए, किडनी को, ब्रेन को, हृदय को, दांतों को। राइट आंसर हमारा क्या होगा, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावी करता है, किसको प्रभावी करता है आपको बताना है। एक बात आपको बता दूं, ये हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। क्या भाई, लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावी करता है किसको, दांतों को प्रभावित करता है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जिस किसी का यहां पर भी 116 क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 निकाल दीजिएगा, बचेंगे कितने, 66 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई 1000 कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, 1016 क्वेश्चन यहां पर आपके हो जाते हैं पूरी बुक में। तो पूरी बुक आपको यहां पर क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है पूरी बुक। कितने वीडियो में, टोटल 20 आपको पार्ट्स दिए गए हैं, कितने 20 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। अगर आपने 20 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1000 क्वेश्चनों में से भाई 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कितने 1000 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में को देखने वाले हैं, इसका मतलब 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं प्रत्येक वीडियो में से आपके अगर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं, प्रत्येक वीडियो में से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। और फ्रेंड, जिस किसी को भाई पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कहाँ से करेंगे, वो हमारी साइट देख रहे हो आप, यहाँ पर जो वाटरमार्क दे रखा है www.paperhacker.in, यहाँ से क्या करेंगे आप, हमारी साइट को डाउनलोड करेंगे, हमारी साइट पर जाएंगे और वहां से आके आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।